करेंगे उल्लासनगर महानगर पालिका में सिंधी समाज के जो नगर सेवक है वह कुल कितने हैं। आपको बता देते हैं कि उल्लासनगर शहर में महानगर पालिका में महिला और पुरुष मिलाकर टोटल 28 नगर सेवक सिंधी समाज से हैं। ढाई वर्ष उल्लासनगर के महानगर पालिका के कार्यकाल का पूरा हुआ और उस कार्यकाल में ढाई वर्ष महानगर पालिका का महापौर सिंधी रहा और उपमहापौर भी सिंधी रहा। ढाई वर्ष के बाद सत्ता का परिवर्तन होता है। उल्लासनगर में शिवसेना पार्टी अपने अलायंस के पार्टनर के साथ सत्ता बनाती है और उल्लासनगर शहर में सिंधी समाज से हटकर महापौर और उपमहापौर दोनों सिंधी व्यक्ति जो शहर के महापौर उपमहापौर बनते हैं। यह बड़ी गजब की बात है। कोई भी नेता जिस समाज से जुड़ा रहता है उसका झुकाव अपने समाज को रहता है, उनका मकसद यही रहता है कि वह अपने समाज को आगे लाए। अगर हमारे उल्लासनगर शहर का महापौर उपमहापौर सिंधी समाज का होता था तो क्या उल्लासनगर शहर के सिंधी समाज का विकास होता था? यह काफी बातें जो है सोचने वाली है। अगर हमारे उल्लासनगर शहर का उपमहापौर और महापौर सिंधी समाज का नहीं हुआ तो उसके लिए सबसे मुख्य कारण क्या है? कौन था वो व्यक्ति जिसने उल्लासनगर की सत्ता में इतना बड़ा बदलाव उन्होंने लाया? तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप रामचंदानी, महानगर पालिका के वो नगर सेवक है। उनकी क्या सोच है, वह क्या कहते हैं, उल्लासनगर का आखिर महापौर और उपमहापौर सिंधी समाज का क्यों नहीं हुआ? जिस महानगर पालिका में 28 नगर सेवक सिंधी समाज से है उस समाज का व्यक्ति क्यों उल्लासनगर महानगर पालिका में क्यों एक महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहा? उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, शहर के लोगों को पता चलना चाहिए। आइए बात करते हैं प्रदीप रामचंदानी नगर सेवक से। प्रदीप रामचंदानी, ढाई साल उल्लासनगर शहर में महापौर सिंधी समाज का रहा, उपमहापौर सिंधी समाज का रहा। अब हाल ही में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, शिवसेना पार्टी को सत्ता आ गई है। अब न उल्लासनगर शहर में महापौर सिंधी समाज का है और ना ही उपमहापौर का, तो इसकी ये जवाबदारी आप किसके ऊपर थोपेंगे? देखिए, अगर आप उल्लासनगर के इतिहास में जाएंगे तो 1986 में पप्पू कालानी यहाँ के 10 जुलाई 1986 को नगराध्यक्ष बने थे। उस वक्त भी उन्होंने सिंधियों के सहारे शिवसेना का जो भय दिखाकर और उनको हराकर यहाँ पर सिंधियों के नेता बने थे। और पप्पू कालानी जो कि इस बात का गर्व हुआ करता था कि मैं सिंधी समाज का नेता हूँ। लेकिन इन दिनों ऐसा हुआ है कि आज के तारीख में उस जमाने में अगर देखा जाए तो सिंधियों की मतदाताओं की प्रतिशत 70-80% थी। आज ऐसी स्थिति नहीं रही है। आज समाज में सिंधी मराठी ये करना बिल्कुल उचित नहीं है, जातिवाद पर कोई भाष्य करना उचित नहीं है, क्योंकि आपके तरफ से ये सवाल आया है कि सिंधी समाज ने सिंधी यहाँ पे सत्ता चली गई। उसका केवल मात्र उत्तर मैं दे रहा हूँ कि अगर सिंधी लोग अगर यहाँ पर आज उच्च स्तर पद पर नहीं है तो उसका मुख्य कारण ओमी कालानी है। ओमी कालानी ने भारतीय जनता पार्टी के 10 नगर सेवकों को शिवसेना के पक्ष में वोट कराया, जिसके वजह से सिंधी जो नेतृत्व था वो कमजोर पड़ा है। एक निजी चैनल में ओमी कालानी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ सिंधी नेता ऐसे भी हैं जो सिंधी समाज की खुद शोभा बढ़ाना नहीं चाहते थे, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, मैं इसमें इतना कहूंगा कि ओमी जी को यह बोलना कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ओमी कालानी को यहाँ पे हमारे साथ सत्ता में भागीदार थे, उनके स्थायी समिति के अध्यक्ष बने, उनके कई चेयरमैन बने, उनकी धर्मपत्नी महापौर बनी भारतीय जनता पार्टी की, बहुत सारी चीजें वहाँ पर इन्होंने सत्ता में यहाँ पर बैठकर यहाँ पर उसका उन्होंने जो भी है भोगा है। किन्हीं कारणों की वजह से और पार्टी ने यह तय किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा का टिकट उनकी धर्मपत्नी को नहीं मिलेगा, तो वह इमीडिएटली इस बात को कहते हैं गद्दारी हुई, ये हुई। पार्टी रहती है, पार्टी में आज नहीं मिले तो कल आगे चल के और कुछ पद मिल सकते हैं। लेकिन इस तरह से कहना कि मैंने केवल इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने
मेरे साथ गद्दार की, इसके लिए मैंने पूरे सिंधी समाज के जितने भी लोग हैं जो आपको मतदान करते आए हैं पप्पू कलानी के जमाने से, उसके वजह से आपने नेताओं के वजह से पूरे सिंधी समाज को धोखा दे दिया। ये कहाँ की राजनीति है? शहर की जनता को आप लोगों ने ये भरोसा दिलाया कि केंद्र में बीजेपी और शिवसेना की सत्ता रहेगी, हमारे उल्लासनगर में अगर भाजपा पार्टी का आमदार होता है तो हमें शासन के तरफ से काफी शहर के विकास में मदद मिलेगी, मगर अब केंद्र में भी शिवसेना की सत्ता रही और यहाँ नहीं कहा था कि केंद्र में तो बीजेपी की सत्ता है ही है, राज्य में सारे जितने भी टीवी चैनल्स थे सभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की और शिवसेना की सत्ता आएगी, और ऐसा हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को जनता ने जनादेश दिया, लेकिन किसी कारणवश हमारा मित्र पक्ष शिवसेना, उसको ऐसा लगा कि भाई उन्हें हमारे साथ नहीं रहना है तो हमारी सत्ता नहीं आई। हमको तो जनादेश मिला था ना, मोदी के बड़े बड़े कटआउट लगाकर शिवसेना के, जहां से विधायक चुनकर आए हैं, शिवसेना के नेताओं से बड़े बड़े कटआउट मोदी के कटआउट लगे हुए थे, मोदी के वोट मिले हैं सबको, मोदी को तो लोगों ने चुना ना। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को स्पष्ट जनादेश दिया। अब किसी की महत्वाकांक्षाएं बनती है, राजनीति में ऐसा होता है। आज अगर किसी वजह से हमारी सरकार नहीं बनी तो इसका अर्थ नहीं है कि हम विपक्ष में रह के हमारा आमदार काम नहीं करेगा, अच्छा काम करेगा। और विपक्ष में तो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी प्रभावी रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुभव हमें विपक्ष में रहने का रहा है, सबसे ज्यादा समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रही है बाकी पक्षों की अपेक्षा। ढाई साल शहर में भाजपा और उनके घटक दल साईं पार्टी ओमी कल्याणी का यहाँ पर राज रहा, लेकिन शहर की जनता ने भी उन्हें पसंद किया, मगर अब शहर की जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ उसके लिए जवाबदार कौन है? देखिए, मैंने कहा कि ये विश्वासघात के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार ओमी कल्याणी है, क्योंकि उनके पिता द्वारा कमाई गई सिंधी मतदाताओं की पेट जो कमाई थी उसको पूरी तरह से उन्होंने शिवसेना के लोगों को मतदान कर पूरी लुटा दी है। ऐसा नहीं कहना चाहिए लोकतंत्र में, जो भी यहाँ पर बनता है, शिवसेना के भी अगर यहाँ पर महापौर बने हैं तो हम उनके साथ काम करेंगे, क्योंकि प्रश्न आपका ये बार बार है कि समाज के साथ अगर किसी ने किसी तरह का धोखा किया है तो वो केवल ओमी कल्याणी ने किया है। और मैं समाज को कहूंगा, सिंधी समाज जो कि पूरा समाज पूरे देश में एक यही मात्र उल्लासनगर है जहां सर्वाधिक सिंधी रहते हैं, उनमें कहीं न कहीं हम ये चाहते हैं कि थोड़ा ज्यादा राजनीतिक हमारा अस्तित्व बना रहे। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि सिंधी समाज जो है यहाँ के उल्लासनगर महानगर पालिका और शहर के जो आमदार पद पर सिंधी प्रत्याशी बैठे और जो हमारे समाज के जितने भी प्रश्न है वो उठाए जाए हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे लोग आज हमारे साथ नहीं है। धन्यवाद प्रदीप जी।